हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। और मैं आपके लिए आज सेंट बर्नार्ड से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेके आया हूँ। जैसे कि मेरे को पता है कि बहुत लोग सेंट बर्नार्ड्स की केयर करते हैं, बहुत लोग सेंट बर्नार्ड्स को पालते हैं। सो हमें ज़्यादातर बेसिकली डिफ़िकल्टीज क्या आती हैं सेंट बर्नार्ड से रिलेटेड, ब्रीड से रिलेटेड। एक्चुअली मेरे पास भी सेंट बर्नार्ड है, जो आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा। और सेंट बर्नार्ड से रिलेटेड हमें ज़्यादातर, मुझे जो इश्यूज़ आते हैं, वो मुझे ज़्यादातर इश्यूज़ आते हैं उसकी इचिंग, जो उसको खुजलियाँ होती हैं। और ज़्यादातर मुझे टिक्स के इश्यूज़ आते हैं कि टिक्स हो जाते हैं उनको। और गर्मियों में बेसिकली क्या है कि वो अपने आप को पूरा वेट वेट कर लेती है, पानी पीती है तो एंड वो अपने बॉडी पर पानी बिखेर लेती है। एंड उसको उस जगह पर जब जहाँ पानी गिर जाता है वहाँ पर उसको इचिंग का इशू हो जाता है। सो ये सब चीज़ें इश्यूज़ हमारे को, मेरे को ज़्यादातर समर्स डेज में आते हैं, जो मैंने ज़्यादातर फेस करा है अपने डॉग्स में। और मेरे को और मुझे और कोई इश्यूज़ में ज़्यादा दिखता नहीं है, क्योंकि मेरे को मेरे दो तीन मतलब रिलेटिव्स या मेरे फ्रेंड्स बोल लीजिए, उन्होंने मेरे को बोला है कि दे आस्क मी कि आपको सेंट बर्नार्ड पालने में आपको क्या दिक्कत आती है। सो पालने में कोई दिक्कत नहीं है, बेसिकली समर्स डेज में ही आती है प्रॉब्लम। बाकी मैं लोगों को यही सजेशन दूंगा कि सेंट बर्नार्ड अगर आप लाते हैं तो आपको बेसिकली उसको कूल एरिया में रखना पड़ेगा। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कूल एरिया, बिकॉज ऑफ वो उनको इतनी गर्मी लगती है। सो उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एसी। सो मैं ज़्यादातर आई थिंक मेरे ऑल टाइम मेरा एसी ऑन रहता है, और नाइट में भी दिन में भी एवरी टाइम। सो एंड इन द समर डेज आई एम इन एवरी संडे मैं उनको ग्रूमिंग करता हूँ। सो वो मेरे बहुत ज़रूरी है। और इन समर डेज इन द स्टार्टिंग लाइक इन द मार्च, व्हेन द मार्च इज स्टार्टेड एंड द समर जब आने लग जाता है, तो मैं इनको एक बार मैं इसके पूरे ट्रिमिंग कर देता हूँ, बाल में इसके पूरे क्लीन कर देता हूँ। आई नो कि वो देखने में थोड़ी अजीब लगता है, बट मुझे वो करना ज़रूरी पड़ता है, क्योंकि जब वो बाल हट जाते हैं तो शी जो मेरा डॉग है सेंट बर्नार्ड वो बहुत ज़्यादा फील करती है रिलैक्स। सो फिर मार्च के बाद देन फिर अगेन बाल जब आने लग जाते हैं, तो मैं मार्च के बाद फिर मई ऑफ मई मेड एंड देन जुलाई मेड। सो अराउंड 1.5 मंथ के बाद मैं ये प्रोसेस करता हूँ, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 times इन द समर टाइम में। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप सेंट बर्नार्ड आपके पास है, अगर आप चाहते हैं कि आप उसको केयर करें, अगर आप चाहते हैं कि वो समर्स में फील अच्छा रिलैक्स फील करें, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को उसकी एक बार ट्रिमिंग करवानी चाहिए, और इन द समर में ऑलमोस्ट 3 to 4 times। सो मैं वही करता हूँ प्रोसेस, और संडे टू संडे मैं उसको ग्रूमिंग करता हूँ। तो बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि मैं उनको इचिंग जो होती है, इचिंग से रिलेटेड मैं उन पर क्या यूज़ करता हूँ, एंड देन मैं वो शैम्पूज उनको क्या यूज़ करता हूँ फॉर द टिक्स। सो ये सब चीज़ें जो इश्यूज आते हैं उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा देखना कि मैं उनको कैसे ग्रूमिंग करता हूँ, एंड देन मैं क्या उनको कौन सा मैं शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ, क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ। सो थैंक यू फॉर